हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमने जैसे कि हमने बताया था आपको कि क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, आरसे प्रवाल के ट्रिगोनोमेट्रिक से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है टेन थीटा बाई वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई वन माइनस टेन थीटा, जो आपको प्रूव करने बोल रहा है कि वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात इसको एक बार लिख देता हूँ, टेन थीटा बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है हमारा। तो मैंने लिख दिया माइनस सॉरी बाय वन माइनस कॉट थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। प्लस उसी प्रकार कॉट थीटा को भी हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय वन माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब जहां पे जैसे टेन और कॉट था उसको मैंने क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है ना, उसके फॉर्मूले पे मैंने बैठा दिया। अब जो हम क्या करेंगे, देखिए वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। सिमिलरली इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए अगला टर्म में क्या करता हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, अब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो वन से साइन थीटा यानी कि वन से डिवाइड कीजिएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू वन क्या होगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा। माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या, सेम चीज बच जाएगा, आई मीन कॉस थीटा। अब सिमिलरली यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा है हमारा, फिर हम एलसीएम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। सो वन से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा इंटू वन क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता भी है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इसका अगला पॉइंट जो जो मैं लिखूंगा अगला स्टेप क्या होगा। देखिए इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा है हमारा। यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो हम क्या करेंगे सेम मतलब फॉर्मेट में लेते आएंगे। जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में ही लिखेंगे। अब देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, इस साइन को अगर हम डिवाइड को जब मल्टीपल में चेंज करेंगे तो ये साइन हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस कंडीशन में ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अब ये इसी तरीके से यहां पे देखिए प्लस है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब यहां पे इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। ऐसे होगा कुछ इस तरीके से। अब जैसे कि मैंने बताया था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, बट यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हम क्या करेंगे, साइन कॉमन ले लेंगे। तो साइन किस तरीके से कॉमन लेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। अब साइन साइन क्या हो जाएगा, हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कॉस थीटा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए जो प्लस है ना, प्लस तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे एक माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस वन कॉमन ले लेंगे, तो ये तो हमारा साइन थीटा है ये है। अब ये माइनस वन जब कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वाला साइन प्लस में हो जाएगा, एंड प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको जब साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा, राइट, ये थीटा है हमारा। अब देखने वाली बात ये है कि साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा। अब देखिए माइनस को अगर आप माइनस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीपल कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या इन द अदर हैंड हम क्या कर सकते हैं कि माइनस जो होता है हम न्यूमरेटर में लेते चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस की जगह हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। देखिए तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉस थीटा साइन थीटा एंड ये पार्ट हमारा क्या है, कॉमन है, तो इसको हमने लिख दिया इसे। अब यहाँ पे हमको देखना है
कि cos थीटा जो जो मैच कर रहा है ना उसको कैंसिल कर दो, तो हमारा मैच क्या कर रहा है, cos थीटा into sin थीटा minus cos थीटा, तो ये चीज मैच कर रहा है, तो बचा क्या हमारा, सिर्फ sin थीटा बच रहा है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा जो मैच कर रहा है, तो यहां पे हमारा sin थीटा बच रहा है। sin थीटा into sin square थीटा आपका क्या हो जाएगा, sin क्यूब थीटा। अब सिमिलरली यहां पे जो मैच कर रहा है sin थीटा मैच कर रहा है, sin sin कैंसिल हो जाएगा एंड दिस दिस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, cos थीटा, cos थीटा into cos square थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा हो जाएगा, डन। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए हमारा एक फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, राइट। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस चीज को भी इसी तरीके से लिखेंगे, यहां पे sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा का a माइनस b है, तो हम यहां पे लिखेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा, राइट। देन हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, यहां तो a हमारा क्या है, a sin थीटा एंड b क्या है, cos थीटा, तो a स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा, डन। अब यहां पे जो चीज है हमारा cos थीटा sin थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, तो देखिए ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इज नथिंग बट क्या, 1 हो जाएगा, इधर sin थीटा इनटू cos थीटा, देन डिवाइड में हमारा क्या बच गया, cos थीटा sin थीटा। अब यहां पे देखिए, अब आपको मैंने बताया कि दिस बाय दिस हो जाएगा, अगर कोई टर्म ऐसे रहा a plus b by c के फॉर्म में रहा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a by c plus b by c, ये कई बार मैं बता चुका हूं, तो उसी तरीके से मैं इसको लिखूंगा दिस बाय दिस, यानी कि 1 by cos theta into sin theta plus sin theta into cos theta sin theta into cos theta, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचा। अब यहां पे देखिए, आपको पता है कि 1 by cos theta क्या होता है, sec theta होता है, एंड 1 by sin theta क्या होता है, cosec theta होता है, तो हमने लिखा और इसमें क्या है 1। अब यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अरेंज करके लिखेंगे तो sec theta into cosec theta, तो कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट अगर आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आसानी से आपका हो जाएगा, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आ चुका है, एनसीईआरटी बोर्ड लेवल पे, स्टेट बोर्ड लेवल पे, या फिर सीबीएसई बोर्ड पे कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इससे थोड़ा सा इजी है ये क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है cos स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा प्लस sin क्यूब थीटा बाय sin थीटा माइनस cos थीटा। देखिए आपको प्रूफ क्या करने बोल रहा है, प्रूफ बोल रहा है आपको 1 प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा, तो LHS हम लिखेंगे सेम पार्ट को वैसे ही, cos स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा प्लस sin क्यूब थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, राइट। अब यहां पे देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब इसमें से हमको चेंज करने की जरूरत है tan थीटा, बाकी क्योंकि sin cos सब में है, इसको भी हम क्या करेंगे sin cos में कन्वर्ट कर देंगे, तो cos स्क्वायर थीटा है। अब हम क्या करेंगे 1 माइनस tan थीटा, अभी मैंने बताया ना कि sin थीटा बाय cos थीटा फार्मूला होता है, तो इसको मैंने लिखा sin क्यूब थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, डन। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा cos थीटा इनटू 1, तो क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा sin थीटा, देन ये जो नीचे में cos थीटा ऐसे होगा cos थीटा, अब यहां पे cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए sin क्यूब थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा हो गया ना, अब ये cos जो होगा आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं इस फॉर्म में आ जाएगा, देखिए cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा cos क्यूब थीटा हो जाएगा बाय cos थीटा
माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डन। फिर देखिए सिमिलरली हम उसी सिचुएशन पे आ गए क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस में है और यहाँ पे साइन थीटा माइनस में है, तो या आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप किसी को भी चेंज कर दीजिए, ठीक है ना, किसी को भी अगर आप चेंज कर दीजिएगा तो इंटरनल में एनी डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, माइनस वन से ऊपर नीचे क्या करता हूँ मल्टीपल कर देता हूँ, माइनस वन से, चलिए माइनस वन से मैंने मल्टीपल कर दिया यहाँ पे माइनस वन से, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ऐसे सेम लिख दिया मैंने बाय साइन थीटा, और ये साइन क्यूब थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अब देखिए ये तो माइनस में ही हो जाएगा, माइनस कॉस क्यूब, माइनस कॉस क्यूब थीटा बाय ये देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको हम साइन थीटा और माइनस इनटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का फॉर्म में लिख दिया मैंने, फिर अगेन साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखने वाली बात ये है कि ये दोनों हमारा क्या है सेम है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब फ्रेंड्स मैंने ऐसा क्यों किया, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है ना, क्योंकि देखिए जब आप किसी को एक फॉर्मेट में ले आते हो ना, तो आप जब एलसीएम करोगे तो आपके लिए वो आसान हो जाता है, अदरवाइज वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, आगे चल के आपको चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने यहीं पे चेंज कर दिया, राइट। अब इसको मैं क्या करूंगा ना, इसको एलसीएम ले लेता हूं, देखिए जब एलसीएम ले लूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम हो जाएगा एलसीएम। अब आपको पता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या ऊपर माइनस कॉस क्यूब थीटा प्लस इसमें क्या बचेगा साइन क्यूब थीटा, क्यों, क्योंकि सेम टर्म है, सेम से सेम आपका कट जाता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसी चीज को हम थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अब इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए अब हमारा किस फॉर्म में आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, अभी मैंने बताया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के फॉर्म में, जब यहाँ पे माइनस होता है तो दिमाग में रखिएगा ये प्लस हो जाएगा आपका, राइट। तो इसी फॉर्म में इसको भी मैंने कर दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देन क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका सेम, ये टर्म और ये टर्म सेम आ गया, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब बचा क्या, इसके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो यही आपको लाना था, इस तरीके से ये क्या हो गया प्रूफ हो गया आपका। ये क्वेश्चन भी उसी फॉर्मेट पे था, थोड़ा सा आपको इसमें चेंज करना पड़ा, यहाँ पे उसमें क्या था कि दोनों में चेंज करना पड़ा था, ठीक है। तो आज तक सॉरी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।